नमस्कार, मैं मनीष मिस्त्री। स्वागत है आपका मनीष मिस्त्री चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे वर्क एंड टाइम पार्ट थ्री। तो सबसे पहले आप मेरा इंट्रोडक्शन क्लास ज़रूर देखिए, उसके बाद आप पार्ट वन, पार्ट टू और उसके बाद पार्ट थ्री। तो यहाँ पे पार्ट वन जो है वो इंट्रोडक्शन क्लास ही है, तो पार्ट वन देखने की ज़रूरत नहीं है, वो पार्ट वन इंट्रोडक्शन क्लास है। यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है और सी ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा हो रहा है, आधा ही करता है। तदनुसार यदि सी अकेला एक कार्य 20 दिन में कर सकता है, तो ए बी सी तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है और सी ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा ही करता है। तदनुसार यदि सी अकेला एक कार्य 20 दिन में कर सकता है, तो ए बी सी तीनों मिलकर वही कार्य कितना दिन में करेगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, तो ए की कार्य क्षमता आधी है बी की तुलना में, तब बी की कार्य क्षमता 2 और ए की कार्य क्षमता 1, तो एक आधा है ना 2 का। यहाँ पे आप चाहें तो 4 लिख सकते थे और यहाँ 2 लिख सकते थे, लेकिन जब आप काटिएगा तो फिर आपको 1:2 आ जाएगा, तो इसीलिए सबसे छोटा वैल्यू लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर ए का कार्य क्षमता 1 है, तो बी का कार्य क्षमता 2 है। अब क्या कहता है आगे, और सी, हाँ तो आगे कहता है कि और सी ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा ही करता है, यानी सी जो है वह ए और बी द्वारा किए गए कार्य का क्या करता है, आधा करता है। तो सी, देखिए सी दो है, ए और बी द्वारा किया गया कार्य अगर 2 है, तो सी उसका आधा करता है ना, ये 1 हो गया। तो इस तरह से सी 1 काम करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर 2 काम करता है, तो आपको ये आपको बैलेंस हो गया। अब आगे देखिए, कहता है कि तदनुसार यदि सी अकेला एक कार्य 20 दिन में कर सकता है, सी अकेला 20 दिन में एक कार्य कर सकता है, तो कह रहा है कि ए और बी और सी मिल करके उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देना है इस प्रश्न में कि इसमें स्टेटमेंट क्या है, इस प्रश्न में ध्यान देना है कि इसमें स्टेटमेंट क्या है। अब देखिए ध्यान देना है, स्टेटमेंट क्या किसको कहते हैं। इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि सी अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है, ये चर्चा ए और बी के साथ नहीं है, सिर्फ सी के साथ है। देखिए सी के साथ है कि 20 दिन में कर सकता है सी, तो यानी सी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सी 20 दिन में कार्य कर सकता है। तो क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में कि जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका उसके क्षमता से गुना कर देना है, उसका उसके क्षमता से गुना कर देना है। तो सी का क्षमता कितना है, 1, और उसका कितना दिन में पूरा कर सकता है, 20 दिन में, तो गुना 20। और जिसके बारे में पूछ रहा है उसको हम बट्टा में लिखते हैं, तो जिसके बारे में पूछ रहा है, जिसके बारे में पूछ रहा है, तो जिसके बारे में पूछ रहा है, तो इस पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ए बी सी तीनों के कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है ये पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ए और बी के बारे में सिर्फ दिया हुआ है और यहाँ ए बी सी तीनों के बारे में दिया हुआ है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ का अनुपात दिया है 1:2, यानी तीनों मिल करके 1+2, यानी 3 दिन में उस कार्य को कर सकता है, यानी 3:1 में कर सकता है, 3 दिन में कर सकता है, तो बट्टा में 3। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो 1 × 20 तो 20 होगा, 20/3 हो गया, यानी तीनों मिल करके 6×3=18, 20/3, यानी 6.2/3 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक है, अधिक है, और तदनुसार बी तथा ए मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा,
कह रहा है कि ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक है। बी जो है वह ए की तुलना में 60% अधिक है, तदनुसार बी तथा ए मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है? इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट है ए कार्य को 12 दिन में कर सकता है, यही इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट है। तब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो स्टेटमेंट होता है उसको हम गुना करते हैं और जिसके बारे में पूछा जाता है उसको हम बट्टा में नीचे लिखते हैं। तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है आगे कि बी ए की तुलना में 60% अधिक कार्य कुशल है, यानी कि 60% अधिक काम करने की क्षमता है उसकी। तो यहाँ पे देखिए, जब 60% का मान 60/100%, तो बट्टा में 100 होता है ना, परसेंटेज का मेरा जो आप प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, पूरा मैंने प्रतिशत चैप्टर पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पे मैंने बेसिक्स बताए हैं। और यहाँ पे मैं बस आपको बता देता हूँ कि 60% का मतलब 60/100, तो 60/100 जीरो से जीरो कटा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी भिन्न मान 60% का 3/5। अब कह रहा है कि 60% अधिक है बी ए की तुलना में, तो यहाँ पे 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8/5, अगर कम कहता तो इस 5 में से 3 को घटाते तो 2/5 हो जाता, और यदि कम और अधिक नहीं देता तो सिर्फ 60% का 60% ही हम लिखते। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ अधिक बोला है इसीलिए 5 में 3 जोड़े हैं तो 8/5 आया है। यदि बोलता कि बी ए की तुलना में 60% कम है तो इधर 5 में से 3 घटा देते तो यहाँ 2/5 हो जाता, और यदि कम अधिक नहीं बोलता तो यहाँ 60% रहता। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझना है। अब यहाँ पे 8/5 आ गया, यानी यदि बी 8 काम कर सकता है तो ए 5 काम करेगा, यानी कि बी जो है अधिक काम करेगा क्योंकि 60% अधिक कार्य कुशल है, और ए 5 काम करेगा। अब इस तरह से आपको 8:5 आ गया। अब क्या कह रहे थे हम कि स्टेटमेंट ए का दिया हुआ है तो ए को गुना करेंगे और जिसके बारे में पूछेगा उसको बट्टा में नीचे लिखेंगे। तो ए का कितना है? 12 दिन में कोई कार्य कर सकता है तो 12, और जिसके बारे में स्टेटमेंट दिया है उसी से उसको गुना कर देंगे। तो देखिए, 5 यहाँ दिया हुआ है क्षमता, 5 क्षमता है ए का, तो 5 × 12, 12×5 = 60, और यहाँ पे 8 और 5, देखिए किसके बारे में पूछ रहा है, बी और ए मिलकर उस कार्य को कितना दिन में कर लेंगे, इन दोनों के बारे में पूछ रहा है, तो दोनों को मिलकर के योग कितना हो जाएगा, 8×5 = 13, तो 13/ में नीचे लिख दिए। अब 12×5 = 60/13, पूर्णांक में लिखिएगा तो 13×52 8, 60/13 यानी 4 पूर्णांक 8/13 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा कर लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात और मैंने यहाँ नोट में लिख दिया है आपको कि जब क्षमता का रेशियो मालूम हो तो जिसका दिन पता रहे उसे गुना करेंगे और जिसके बारे में पूछे उसे बट्टा में लिखेंगे। तो देखिए, हमको दिन पता है कि 12 दिन ए का, तो हमने उस क्षमता से, रेशियो जो आपको आया है क्षमता का, उससे हम 12 को गुना कर दिए और जिसके बारे में पूछा है उसको बट्टा में लिखिए। बी और ए दोनों के बारे में पूछा है तो 8×5 = 13, और उसको हमने बट्टा में लिखा। चलिए, प्रश्न है, ऐश्वर्या राय एक काम का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकती है। सुष्मिता सेन ऐश्वर्या से दोगुना कुशल है, सुष्मिता उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि ऐश्वर्या राय एक काम का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकती है, सुष्मिता सेन से दोगुना कुशल है ऐश्वर्या, सुष्मिता उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगी। तो देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि सुष्मिता से ऐश्वर्या से दोगुना कुशल है, यानी सुष्मिता जो है ऐश्वर्या से दोगुना कुशल है, यानी 2 हुआ सुष्मिता का, 1 हुआ ऐश्वर्या का, यानी क्षमता हो गया, इन दोनों का क्षमता हो गया, यानी ऐश्वर्या अगर एक बार, एक क्षमता है ऐश्वर्या का तो सुष्मिता का क्षमता उससे दोगुना है, दोगुना है तो 1:2 हो गया। यहाँ आप देखिए ध्यान से, अब आगे पढ़िएगा, कह रहा है कि ऐश्वर्या राय एक काम को 3/4 भाग 12 दिन में कर सकती है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में ही पढ़ाया है कि फिनिश बराबर इक्वल, तो 3/4 भाग, तो 3/4 भाग को फिनिश कर सकती है 12 दिन में, 3/4 भाग जो काम है उसको 12 दिन में फिनिश कर सकती है, तो
तो यानी कहने का मतलब कि 3/4 = 12 दिन। अब यहाँ पे 3 से 12 कटाएंगे तो 4 बार में कटेगा, और ई आपको हो जाएगा चरचौके 16, यानी पूरा काम जो ऐश्वर्या करेगी वह 16 दिन में कर देगी। पूरा काम ऐश्वर्या 16 दिन में कंप्लीट कर देगी। यानी अब हमारे पास स्टेटमेंट है कि ऐश्वर्या पूरा काम 16 दिन में कंप्लीट कर देगी, ये हमारा स्टेटमेंट हमको मिल गया। अब देखिए स्टेटमेंट जब हमको मिल गया तो मैंने आपको बताया था कि जो स्टेटमेंट होगा उससे गुना होगा, और जिसके बारे में पूछेगा उसको बट्टा में लिखेंगे। जो स्टेटमेंट होगा वो गुना होगा, और जिसके बारे में पूछेगा उसको हम बट्टा में नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको आ गया 16, और क्षमता कितना है, किसका स्टेटमेंट है, तो ऐश्वर्या का। और आपको क्षमता कितना है ऐश्वर्या का, तो 1 है, तो 1 से 16 को गुना कर दिए हम। अब किसके बारे में पूछा है, तो सुष्मिता उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगी कह रहा है, तो सुष्मिता का क्षमता बट्टा में 2 है। तो पूछा है सुष्मिता के बारे में, तो बट्टा में नीचे 2 लिखेंगे, जिसके बारे में पूछेगा उसको नीचे, और जिसका स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको गुना करेंगे ऊपर। अब यहाँ पे 2 से 16 कट गया 8 बार में, यानी सुष्मिता उस काम को 8 दिन में पूरा करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक कार्य कुशलता में 20 से 3 गुना कुशल है। ये जो है कार्य कुशलता में 20 से 3 गुना कुशल है, और इसीलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन का समय कम लेता है। तो एक साथ काम करते हुए वे इस कार्य को कितना समय में पूरा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक कार्य कुशलता में 20 से 3 गुना कुशल है, और इसीलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन का समय कम लेता है। एक साथ काम करते हुए इस कार्य को दोनों कितना दिन में पूरा करेंगे, कितना समय में पूरा करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन दिया है कि इसीलिए 20 से 60 दिन का समय कम लेता है, कम लेता है। तो यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए कि 20-60 दिन का समय कम लेता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच का जो समय का अंतर है वह 60 दिन है। दोनों के बीच का समय का अंतर क्या है, 60 दिन है। मान लीजिए कि मैं कोई काम जो है 60 दिन कम समय में कर देते हैं, 10 दिन कम समय में कर देते हैं, आप जो है उस काम को 10 दिन अधिक समय में करते हैं, तो दोनों के बीच का समय का अंतर कितना हुआ, 10 दिन हुआ, 10 दिन हुआ ना जी। इसी तरह यहाँ पे यह 60 दिन अंतर हुआ दोनों के बीच समय का। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, शुरू से देखिएगा, एक कार्य कुशलता में 20 से 3 गुना कुशल है, यानी एक कुशल है 3 गुना, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया, अब बी लिख दिया 1, तो 3 गुना कुशल है, तो ये क्षमता हो गया उसका, क्षमता हो गया। तो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो डे होता है उसका उल्टा पार्ट होता है, या पार्ट का उल्टा डे होता है, पार्ट का उल्टा डे होता है, तो क्षमता का उल्टा टाइम। तो टाइम भी तो एक समय डे है ना, टाइम एक डे है, डे माने समय, समय, तो यहाँ समय हमने लिखा है, उलट दिया इसको, यहाँ समय आपको लिखा गया, तो ये क्षमता का उल्टा यहाँ उलट के लिख दिया हमने 1:3। तो यहाँ पे ये समय आपको आ गया कि आपको टाइम जो है वह 1:3 के अनुपात में लग रहा है। तो इन दोनों के बीच समय का जो अंतर है, यानी अगर हम 3 और 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे अनुपात 2, आ ये दोनों अंतर जो है वह 60 दिन के बराबर है। ये जो अनुपात 2 का अंतर है वह किसके बराबर है, 60 दिन के बराबर है, तो दोनों जो है बैलेंस है। अब अनुपात 1 का मान, तो 60/2 30 दिन। अब जब हमको पता है अनुपात 1 का मान 30 दिन, तो हम कितनाहों का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यानी ए जो है वह 30 × 1 यानी 30 दिन में वह काम करेगा, तो बी जो है 30 × 3 यानी 90 दिन में वही कार्य करेगा। तो यानी 30 दिन ए का कार्य करने का दिन हो गया, 90 दिन आपका हो गया बी के काम करने का दिन। अब कह रहा है कि इस कार्य को दोनों मिलकर कितना समय में पूरा करेंगे, तो हमने आपको बताया था कि जब दो व्यक्ति किसी काम को अलग अलग दिनों में करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है AB/A+B। तो आपको 30 × 90/30 + 90, 30 + 90 को जोड़िएगा तो 9×3 आपको हो जाएगा 12, यानी 120, और यहाँ 9 इसको कटा दीजिए यहीं से,
आपको 0 से 0 कट गया और यहाँ पे कट जाएगा 3 चौके 12, और यहाँ से कट जाएगा आपको 2। आपको इसको कटाइएगा तो आपको आ जाएगा 45/2, क्योंकि मैंने यहाँ जो कटाया है उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ से अगर काटते हैं 30 को 120 में, तो 40 बार में आपका कट गया, और यहाँ 20 दूनी 40, और यहाँ हो गया 45 दूनी 90, तो इधर हो जाएगा आपको 10 दूनी 20, और यहाँ कट जाएगा, चाहे आप कटा दीजिए 4 5 20, और यहाँ कट जाए 9 5 45, तो 9 5 45 यहाँ पे आ गया आपको 10 दूनी 20 थी, यहाँ आ गया तो 2 45/2, और इसको अगर आप लिखिएगा पूर्णांक में तो हो जाएगा 22 दूनी 44 1/45, यानी 22 पूर्णांक 1/2 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।